अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी तो टाइम है 9:00 का और उर्वा को मैं ऑलरेडी स्कूल ड्रॉप कर रही हूँ, तो मेरा आज दिल कर रहा था कि ऑमलेट खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया। और ये चेक करें मेरे स्टोव बर्नर, ये इतने डर्टी हुए हुए थे कि मैंने सोचा कि आज इनको क्लीन करती हूँ। हालाँकि मैंने इनको 3-4 दिन पहले भी क्लीन किया है, लेकिन आज मैंने सोचा इनकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये ओवन क्लीनर है, इससे इनकी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। जितने भी स्टेन्स होते हैं और ऑयल इनके ऊपर होती है तो अच्छी तरह से वो सारा रिमूव हो जाता है। तो मैंने इनके ऊपर स्प्रे कर दिए और हाफ आवर के लिए इसके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और ये मेरे स्टोव का हाल चेक करें, इतना गंदा हुआ हुआ है। अभी मैंने 2 दिन पहले इसको क्लीन किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो जी आज अपने स्टोव को डी क्लीन करते हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी जो है ना सारी जो स्टेन्स हैं और इसके ऊपर जितनी भी डर्ट जमा हुई है वो साफ़ करते हैं और इसको शाइनी सा कर देते हैं। अच्छा, इस स्टोव की क्लीनिंग बहुत इजी होती है। आराम से स्टील वूल लिया और थोड़ा सा डिश वॉशर ऊपर डाला और इसकी क्लीनिंग हो गई। जैसे ये देखें कितना अच्छा सा क्लीन हो गया है और शाइन भी कर रहा है। तो मुझे ना बेसिकली ये बहुत अच्छा लगता है, जो फॉइल पेपर होता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि ये स्टोव के ऊपर डाल के सेट कर लिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर फिर जितने भी वो स्टेन्स होते हैं जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल के स्टेन्स गिरते हैं, जो छींटे होते हैं वो गिरती हैं ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ये डाल देती हूँ ताकि जो भी है इसके ऊपर गिरे, चाहे कोई भी फ्राई करने के लिए आइटम्स हैं वो भी ऊपर गिर जाएं। तो आराम से रिमूव किया और क्लीन हो गया। तो मैंने कहा कि आज इसके ऊपर ना ये भी डाल के तो फिर उसके बाद अपनी कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन सा स्टोव। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं आज क्या कुक कर रही हूं, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जी तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन, और यहाँ पर हो रहे हैं नूडल्स बॉईल, और चिकन को भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख सकते हैं कि मैंने चाउमीन की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो भी व्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। और तो यहाँ पर वेजिटेबल्स को मैं सॉटे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग चाइनीज़ डिशेज़ बनाते हैं तो उसमें हम वेजिटेबल कुक नहीं करते, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते उनको, बस हल्का सा हम सॉटे करते हैं ताकि उनका कलर भी चेंज ना हो और इससे उनका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो ये है चाउमीन सॉस, और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। इसकी भी मेरे रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि ये सॉस किस तरह प्रिपेयर होती है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड की है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि सारे स्पाइसेस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएँ और मिक्स हो जाएँ। मुझे चिकन चाउमीन इतनी अच्छी लगती है और इतनी मेरी फेवरेट है कि अगर कोई मुझे कहेगा ना कि आप डेली खाओ, तो मैं इसको डेली खा सकती हूँ। तो मैं वीकली ज़रूर इसको प्रिपेयर करती हूँ और मज़े ले लेकर खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरी बेटी उर्वा, उसको तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है मम्मा आप ये क्या कुक कर लेते हो, इसकी बिल्कुल टेस्ट नहीं अच्छा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टेस्ट में। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब सारे वेजिटेबल और चिकन को नूडल्स के अंदर मिक्स किया है, और एंड में मैं गार्निशिंग कर रही हूँ ग्रीन अनियंस की, क्योंकि ग्रीन अनियंस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवरफुल हो जाता है। और ये देखिए मेरे चाउमीन रेडी हैं और ये कितने मज़े के लग रहे हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह की बनी। हम हाउसवाइफ भी ना मल्टी टैलेंटेड होती हैं, एक काम के साथ हम लोग दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने साथ साथ कुकिंग के वॉशिंग का काम भी रखा हुआ था कि आज साथ में वॉशिंग भी कर लूँगी। तो टॉवल्स क्लीन कर रही थी, और हमारे किचन के बिल्कुल साथ ना लॉन्ड्री है, यहाँ पर हमने वायरिंग सिस्टम की हुई है। तो जब भी हम लोग लॉन्ड्री करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो कपड़े बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं और इनमें स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि फ्लैट सिस्टम में लॉन्ड्री नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पर साथ लॉन्ड्री है। और आज तो भाई मैं अपना डे बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रही हूँ, एक काम छोड़ा दूसरा काम पकड़ा। तो आज मैंने इसकी ना करनी थी वार्डरोब की क्लीनिंग भी करनी थी और थोड़ी सेटिंग भी करनी थी, क्योंकि उर्वा की ना एक हैबिट है, वो जब भी नहाती है, बाथ लेती है, या कोई कपड़े लेने जाती है, अपने ड्रेस लेने जाती है, तो एक लेती है तो सारे पुल आउट करती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो फिर आके बड़े आराम से ना मुझे मम्मी वो जाके क्लोज़र चेक कर लें, मुझसे ना थोड़े से ड्रेसेस ऊपर नीचे हो गए,
हैं। तो मैं जब जाके चेक करती हूँ तो वो एक नहीं ऊपर नीचे हुआ था, वो पूरी क्लोज़ेट जो है ना उसका कबाड़ा हुआ होता है, ख़राब हुई होती है पूरी। तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि उर्वा अभी तो मैंने एक दो दिन पहले की थी, या जब भी की होती है मैं उसको डांटती हूँ कि अभी मैंने, आप प्लीज़ मत लिया करो। तो मैं अब यही करती हूँ कि जब भी मैंने उसको कोई ड्रेस देना होता है ना, तो मैं उसको तो बिल्कुल भी क्लोज़ेट के पास नहीं ना जाने देती, और मैं कहती हूँ कि मैं आपको खुद दे दूँगी, आप मत जाओ। तो आज मैंने ना, उसने इतनी ख़राब की हुई थी क्लोज़ेट, इतनी ख़राब की हुई थी कि कपड़े नीचे गिर रहे थे। तो मैंने कहा चलो जी आज लगे हाथों ये भी काम ख़त्म करती हूँ और क्लोज़ेट की सेटिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये मैंने देखे उर्वा का ना 14 अगस्त का ड्रेस लिया था कि 14 अगस्त पे उर्वा पहनेगी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना कोई ट्रेजिडी हो गई जिसकी वजह से ना मैंने उसको ड्रेस पहनाया और ना ही हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट की। तो ये देखें जी उर्वा की क्लोज़ेट का टूर। तो आई होप कि मैंने थोड़ी सेटिंग ठीक की हुई है, तो आप मुझे बताइएगा कि अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने यहाँ पर ना स्टोरेज बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर मैंने उसके डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं। ये इसका सेट शर्ट का सेक्शन है, ये शॉर्ट्स का है, यहाँ पे उसके नाइट ड्रेसेस हैं, ये ट्राउज़र का है, और बिल्कुल इधर राइट साइड पर इसकी जीन्स का सेक्शन है। तो सारे सेक्शन मैंने डिवाइड किए हुए हैं। उर्वा के जो फैंसी और पार्टी ड्रेसेस हैं वो मैंने मम्मी के क्लोज़ेट में रखे हुए हैं, क्योंकि उनके क्लोज़ेट में स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और अपने क्लोज़ेट में डेली यूज़ वाले कपड़े मैंने नीचे वाले पोर्शन में सेट किए हुए हैं, और ऊपर वाले हैंगर एरिया में मैंने हैंग किए हुए हैं उसके कपड़े जो आउटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो फ्री हैंगर्स थे वो रखे हुए हैं कि जब भी न्यू परचेज़ करूँगी तो इनमें हैंग कर लूँगी। और उसके बाद शर्ट का सेक्शन आता है जो, और उसके बाद शर्ट के सेक्शन के बाद फुल स्लीव शर्ट है, क्योंकि अक्सर प्ले ग्राउंड में जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि फुल स्लीव शर्ट अलाउड होती है, हाफ़ स्लीव नहीं अलाउड होती। और ये है जैकेट का सेक्शन, और ये है इसके स्कर्ट का सेक्शन। यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस ड्रेसेस हैं वो मैंने हैंग किए हुए हैं, कुछ साथ में फ्रॉक हैं और जंप सूट हैं। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये इसकी हेयर एसेसरीज़ का है, इसके जितने भी हेयर क्लिप्स हैं, बोज हैं, और जितनी भी एसेसरीज़ होती हैं बच्चों की, तो वो मैंने ऊपर वाले सेक्शन में डिवाइड की हुई हैं। तो दैट्स इट, ये इसका वार्डरोब टूर था। आई होप कि आपको इसका ये वार्डरोब टूर अच्छा लगा होगा। और अब है हमारा स्टडी टाइम। यस यस यू आर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू रुआ? सो हु इज दिस? दीज आर न्यू स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट्स हर नेम एंड व्हाट्स हिज नेम? मुनीप। Student will sit right over there. Yeah, you can put your students there. Yeah, very nice. Now come and sit on your chair. Park your stroller right over there. There is the parking place. Yeah, this is the parking place. Now come and sit. It's time for your study. Take out your maths notebook and workbook. Do you learn the tables? Do you learn the tables? Yes. Okay. Take out your books. How was your day? Good. Good. Teacher, here's my maths notebook and workbook. Okay, give me. Thank you. उर्वा को स्टडी करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा उसके साथ प्ले करना पड़ता है, फिर उसकी टीचर बनना पड़ता है, फिर वो थोड़ी मेरे साथ एडजस्ट होती है और स्टडी स्टार्ट करती है। क्योंकि आपको पता है मदर्स के लिए ये मुश्किल टास्क है अपने बच्चों को स्टडी करवाना, क्योंकि बच्चे मदर से तो पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन जाते हैं। तो लेकिन मैं उसको खुद स्टडी करवाती हूँ, तो फिर जब मेरे साथ यूज़ टू हो जाती है तो ईज़िली स्टडी कर लेती है। जी तो ये थी मेरी आज सारी डे रूटीन, और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइफ विद मैडी इन ओमान, टाइम टू से गुड बाय। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।